हाई फ्रेंड्स वेलकम टू द गेम विच एन्जॉय द मोस्ट द गेम ऑफ एल्कोहल्स टूडे वी आर ब्रिंगिंग वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड रिव्यूज एंड अ वेरी सेंसिबल कंपेरिजन एज वेल और ये जो प्रोडक्ट है ये आता है इंडिया के सिंगल मॉल्ट किंग यानि फ्राम द हाउस ऑफ अमरुद डिस्लरी से बैक एंड टोश सिल्वर एडिशन बैक एंड टोश लॉन्च हुई थी नाइनटीन एटी टू में जब इसके 25 इयर्स कंप्लीट हो गए तो इसने अपनी एनिवर्सरी पर सिल्वर जुबली एनिवर्सरी पर इस एडिशन को लॉन्च किया सिल्वर एडिशन राइट तो पहले ये थी प्रीमियम विस्की पर सिल्वर एडिशन यानी कि ट्वेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी पे इन्होंने एक सेगमेंट टारगेट टागेट टारगेट किया जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा प्रीमियम विस्की सेगमेंट जो 900 के राउंड आते हैं और इन्होंने एंटर किया वो सेगमेंट ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है इसमें बहुत बड़ा हाथ एनआर आर जगदले का है जो कि अमरुद की, की लेगेसी में सेकेंड जनरेशन है और करेंटली जो थर्ड जनरेशन आई है जो 2004 में इन्होंने सिंगल मॉल्ट्स का पूरा एक जरिया शुरू किया और इंडिया को फेमस किया अब आई थिंक थर्ड जनरेशन भी अब इसको आगे लेके जाएगी लेगेसी को क्योंकि जो मॉल्ट विस्कीस का जो एक कहते हैं ना जो स्टार्ट हुआ था इनके अंदर के नहीं हमें मॉल्ट विस्कीस प्रोड्यूस करनी है वो एन आर जगदले ने ही किया था अपनी सेकेंड जनरेशन है जो अमृत की लेगेसी में एक ब्लेंडेड विस्की है अमरुद जानी सिंगल मॉड्स के लिए जाती है नो no डाउट लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ये मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अब देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो बार्ले यूज़ हुआ है मॉल्टेड बार्ले वो आपका अगेन स्कॉटलैंड से भी आया हुआ है और इंडिया से भी आया हुआ है जो इंडिया से आया हुआ बार्ले वो आपको मिलता है राजस्थान से और पंजाब से बार्ले लिया पंजाब से और उसकी जो मॉल्टिंग होगी वो होगी डेली में और ये जाकर बनेगी बेंगलोर में पूरा भारत भ्रमण करते हुए इतनी मेहनत के बाद हमें मिलती है ये विस्की आप जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें आपको मिलते हैं ऑब्वियसली मॉल्ट विस्कीस एंड जो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट uh, है जो आपको कभी अगर आप ले तो बॉक्स पे भी ज़रूर पढ़ना दैट इज ग्रेन ई एन ए ग्रेन एक्स्ट्रा न्यूट्रल एडिट स्पिरिट्स अब इसके अंदर क्या चक्कर है कि अगर आप इसे कभी गूगल करेंगे या सेकेंडरी रिसर्च करेंगे इवन दो इट इज़ क्लेम्ड कि इसमें मुलासिज़ नहीं है पर अगर आप इसे कभी गूगल करेंगे तो उसमें लिखा आएगा कि इट कैन बी मेड फ्रॉम शुगर केन एज वेल तो ये बहुत ही गलत सीन होने वाला है क्योंकि अगर इसमें है तो हमें काफ़ी बुरा लगेगा क्योंकि मुझे कहीं क्लैरिटी इसकी नहीं मिली है और हम एक्सपेक्ट करते हैं अमृत से एज़ पर द बॉक्स वट इट हैज़ सॉरी इट हैज़ ओनली ग्रेन विस्कीस तो देखते हैं अब आगे हमें क्या मिलता है चलते हैं हम बॉक्स ओवरव्यू पे तो अगर हम बॉक्स की बात करें तो ये कार्डबोर्ड का एक बॉक्स बना हुआ है और ये सिलेंड्रिकल शेड बॉक्स है क्वालिटी आई वुड से इट इज़ गुड नो डाउट कंसिडरिंग द बजट इट इज़ वेरी गुड इजी टू आइडेंटिफाई आई वुड से जो कलर स्कीम यूज़ की गई है अगर ये बॉक्स में ही रहे बॉटल बाहर आने की बात तो बाद में है अगर ये दूर कहीं बॉक्स पर पड़ा होगा तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई इट इज़ मैकेटोश और ब्रांडिंग ऑफ अमृत आपको यहाँ मिलेगी जिसकी अपने आप में एक मार्केट में बहुत तगड़ी स्टैंडिंग है अब चलते हैं इसके बॉटल ओवर व्यू पे इज अ वेरी ब्यूटिफुल डिज़ाइन बॉटल वेरी सिमिलर जो हमें सिंगल मोल्ट मिलते हैं अमरुद की तरफ से सेम uh, तो नहीं है बट काफ़ी सिमिलर डिज़ाइन है इसका उन्हीं सिंगल मॉल्ट की बॉटल्स के जैसे जो इसका प्राइस है फॉर सेवन फिफ्टी एम एल बॉटल इट इज़ नाइन हंड्रेड एंड थर्टी रुपीज़ इन डेली और अगर मैं बात करूं एल्कोहल बाय वॉल्यूम की ए बी वी की दैट इज़ फोर्टी टू पॉइंट एट परसेंट अब चलते हैं हम इसकी पोरिंग पर और देखते हैं क्या खास है इसमें अब पोरिंग तो शुरू करते हैं और एक चीज़ बता दूँ इसमें सिक्स रो बारलेस यूज़ हुए हैं exactly. एक्जैक्टली और अगर हम स्कॉच की बात करें जनरली स्कॉच में टू रे बारले सॉरी टू रो बार्ले यूज़ होता है और इसकी एक और ख़ास बात है इस ब्रांड की आ, वैसे तो जब मैं डाल रहा था तो मुझे अमरुद लिखा हुआ दिख रहा था तो उसी में काफ़ी अच्छी सी फीलिंग आती है एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है जहाँ ये नाम आता है ना माँ ये एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और इसे एज कराया गया है अमेरिकन ओक बैरल से तो हो सकता है इसमें हमें वनीला एसेंस या थोड़ी स्वीटनेस भी मिले जैसा कि नेचर होता है उन बैरल्स का Uh, अब चलते हैं हम इसकी नोजिंग पर अगर मैं बात करूं इसकी बॉडी की तो बॉडी इसकी मीडियम है नोज़ पर uh, ये नहीं कहूंगा बहुत मेलोड है या बहुत स्ट्रांग है बीच में कहीं पर आती है हम्म। फ्लोरल है नोज़ पे और रोस्टेड एलमेंड्स का जो एसेंस है वो आप मतलब आराम से आप जज कर पाएंगे कि हाँ रोस्टेड एलमेंट्स का फ्लेवर आ रहा है और शायद रोस्टेड एलमेंट्स का है तो शायद इसकी वजह से मुझे हल्की सी जो है हिंट ऑफ स्मोकीनेस भी मिल रही है या बर्न फूड कह लीजिए आप या दैट्स इट अब चलेंगे हम इसकी टेस्टिंग और कलर के लिए वो बताएंगे हमारे फादर साहब कलर तो इसमें आर्टिफिशियल कैरेमल कलर यूज हुआ हुआ है और कलर भी इसका कैरमल ही कैरेमल ही है, ही है। एल्कोहल बर्न बिल्कुल भी नहीं है पैलेट पे स्वीटनेस फील हो रही है हनी की और मेरे को वनीला का फ्लेवर भी फील हो रहा है ओके okay. इनटेक पे हल्की सी स्पाइसनेस फील हो रही है ठीक है लाइक लौंग लोंग का फ्लेवर लौंग का फ्लेवर आ रहा है और कोई बर्निंग इफेक्ट फील हो रहा नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा ठीक है तो अब इस विस्की को जैसे कि हमने आपको बताया कि अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट की विस्की है इस सेगमेंट की हम दो विस्कीज ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं जो कि हमारी थी रॉयल एनवी उसका कार्ड मैं आपको दे दूंगा जो आप फुल रिव्यू देख सकते हैं और ऐसे ही इस चार का भी हमने पूरा एक रिव्यू कर रखा है उसका कार्ड भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा तो फुल एलैबरेटेड रिव्यू देखने के लिए और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्टार वॉकर वाला क्योंकि हमने उसमें उसको स्कॉच से भी कंपेरिजन किया ब्लाइंड टेस्टिंग में ताकि लोगों ने काफी क्लेम किया था कि वो स्कॉच को भी बीट कर सकती है तो वो आप जाके देखें आपको वहां के रिजल्ट भी मिलेंगे अब बात करें अगर इसकी तो मुझे लगता है क्योंकि रॉयल एनवीर्स स्टार वॉकर में से स्टार वॉकर बेटर थी हाँ स्टार, हा, स्टार वॉकर उससे बेटर थी। उससे बेटर थी तो उसकी वजह से हम स्टार वॉकर का रिव्यू जो है सॉरी कंपैरिजन जो है इसका हम मैकोश के साथ करते हैं क्योंकि मैकेंटोश हमें उससे आ, क्या नाम है उसका रॉयल एनवी से रॉयल एनवी से तो बेटर बैट है नो no डाउट तो अब इन दोनों का कंपेरिजन करके देखते हैं कि इस रेस में इन दोनों में से आगे निकल के हमारे फाइनल में कौन आता है प्रीमियम सेगमेंट के और वो फाइनल किसके साथ होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे तो जैसे कि हम कह रहे थे तो अब हम इसका चार वॉकर के साथ रिव्यू करते हैं तब तक आप पानी पी लीजिए अब तक की इस सेगमेंट की ये आई वुड से हमारे चैनल पे वन ऑफ द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट क्या टिल डेट दी बेस्ट है आज इस सेगमेंट में इस सेगमेंट में अब ये एक स्ट्रॉग कंपेरिजन होने वाला है तो देखते हैं और काफ़ी डिमांडेड भी है ये शायद अभी यूट्यूब पर है भी नहीं है कम्पेरिजन तो चलते हैं आप पहले अब स्टार वॉक पर टेस्ट करना चाहेंगे नहीं मैं उसको उसका तो टेस्ट बता ही चुका हूँ तो अब इसका टेस्ट करके बता देता हूँ ठीक है अर्शनेस बिल्कुल भी नहीं है ठीक है ड्राई फ्रूट ड्राई फ्रूट्स का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है ठीक है थोड़ी फ्रूटी फील हो रही है ठीक है फ्रूटीनेस है इसमें हाँ और बिल्कुल लाइट प्रॉपर नहीं बहुत लाइट स्मोकीनेस फील हो रही है मतलब हिंट ऑफ स्मोकीनेस हाँ। कह सकते हैं ठीक है तो अगर, अगर अब हम बात करें आपने दोनों साइड बाय साइड दोनों इसकी स्लें अगर आप चाहें तो एक बार और अगर आपको कन्फ्यूज नहीं मैंने इसका तो मेरे को अभी माइंड में था अब मैंने उसको टेस्ट किया है तो, तो और क्लैरिटी मिली क्लैरिटी हो गई है कि विनर कौन होने वाला है हंड्रेड परसेंट मेरे को इसका टेस्ट स्टार वॉकर का बेटर लगा है इससे इससे तो हमने स्टार वॉकर को जो रेटिंग दी थी वो दी थी एट की और इसको अगर आप रेट करना चाहेंगे तो आप इसे क्या रेटिंग देंगे देखो अब उसके मुकाबले में वो वो टेस्ट इसका नहीं है ठीक है तो इसको मैं 8.1 दे दूंगा

अगर आप इकट्ठे बैठ यानी पियेंगे दोनों साइड बाय साइड सा तो आप ज्यादा बेटर जज कर एक चीज और मैं के टेस्ट चेंज करने के लिए आप इसको भी आप यूज कर सकते हैं स्टार वॉकर भी यूज अगर हम देखें तो रॉयल एनवी सेगमेंट की सबसे नीचे अभी तक सेकेंड पे आ चुकी है मैकन और स्टार वॉकर ने अपना दबदबा भी बनाया बनाया हुआ है तो अब देखते हैं कि इसका फाइनल हम किससे करेंगे और अल्टीमेटली

Yeah.